रखा है वहां पर भी जाना है। और हम सबके सब कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में जहां जहां पर पीने के पानी की दिक्कत है वहां पर हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये जल सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं कि इस एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए सोफे पे पसले हुए मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल को हम बताएं जो नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे दिल्ली सचिवालय के अंदर एयर कंडीशन के ऊपर धरने में बैठे हुए हैं उनको हम बताएं कि आप लोग एयर कंडीशन से बाहर निकले सड़क पर आए और देखें कि हमारे दिल्ली की जनता किस तरीके से पीने के पानी को लेकर के त्राहिमाम कर रही। आप देखें कि किस प्रकार से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। आज दिल्ली के अंदर ये वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि डीटीसी की बसें, जो 5,500 डीटीसी की बसें हमारे समय पे हम छोड़ गए थे, आज वो 3,500 रह गई। 2,000 बसें जब डीटीसी के रोड से निकल गई तो सारे के सारे लोगों ने अपना पर्सनल टू व्हीलर या अपनी पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप लोग हैरान होंगे, हम लोगों के समय पे 45,00,000 पैसेंजर्स एक दिन के अंदर डीटीसी के बस में चढ़ते थे, वो 45,00,000 से कम होकर के अब मात्र 25,00,000 रह गए हैं। तो जब 20,00,000 पैसेंजर हर रोज डीटीसी की बसों से कम होगा, 20,00,000 पैसेंजर ट्रिप हर रोज डीटीसी के बसों से कम होगा, तो वो सारे के सारे व्यक्ति टू व्हीलर या अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक महीने के अंदर 6 करोड़ पैसेंजर ट्रिप एक महीने के अंदर डीटीसी के खत्म हो गए हैं, वो उसकी जगह के ऊपर अपने टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। ये कहते हैं कि ऑफिसर हड़ताल पे हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे। अफसरों के साथ में झगड़ा इनका 20 फरवरी के बाद में शुरू किया है, उससे पहले क्यों नहीं इन्होंने एक भी बस डीटीसी की खरीद पाए। आज मेट्रो का फेज 4 शुरू होने वाला था जो कि कभी भी नहीं शुरू हो पाएगा, इन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक पास नहीं किया है, 2014 तक इनके पास में लंबित पड़ा। मेट्रो फेज 3 अपने समय से 3 साल लेट हो रहा है। हमारे समय में, कांग्रेस के समय में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस समय में 1 घंटा भी मेट्रो लेट नहीं होता था, अब 3-3 साल मेट्रो लेट चल रहा है, इस चीज का कौन जिम्मेदार? मेट्रो का किराया 1 साल में 2-2 बार बढ़ाया गया है, इस चीज का कौन जिम्मेदार? आज दिल्ली के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सरकार ये बोल दे, आपको एक नया हॉस्पिटल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। हम लोगों के समय में हर साल एक नया हॉस्पिटल हम बनाते थे। आप लोगों को पता नहीं है 115 डिस्पेंसरियां, सरकारी डिस्पेंसरी बंद कर दी गई हैं। ये कहते हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक तो बाद में खोलेंगे, पहले 115 डिस्पेंसरी सरकारी डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया। 10वीं के रिजल्ट इस साल के सबसे खराब आए हैं, सिर्फ 69% बच्चे पास हुए, हमारे समय पे 98% बच्चे पास हुआ करते थे। तो कहां की ये सरकार है, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा और सिर्फ दूसरों के ऊपर दोष डालने के लिए, लड़ाई करने के लिए, धरना करने के अंदर भी ये नंबर वन है। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए तो केजरीवाल फिर भी धरना करने से नहीं रुकेंगे, सिर्फ धरने की जगह शिफ्ट हो जाएगी। अभी अगर गवर्नर के आज धरना कर रहे हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाएगा तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस के आगे धरना कर रहे हैं, लेकिन ये धरने से नहीं रुकने वाले, क्योंकि काम इनके बस का नहीं है। जो व्यक्ति नेगेटिव प्रवृत्ति का होता है वो कभी भी काम नहीं कर सकता है।